नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहां पर चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको CPCL के नाम से जानते हैं, दोस्तों इसमें वैकेंसी आ चुकी है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। बेसिकली जूनियर इंजीनियर की यहां पर वैकेंसी है, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल और अदर ब्रांचेस के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल्स हैं। तो ध्यान से देखना है दोस्तों, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल्स हैं तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है। तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 में यहाँ पर 17 वैकेंसी है प्रोडक्शंस का। इसी तरह से CPCL 02 देखिए पोस्ट कोड है, इसमें पोस्ट कोड को अपना ध्यान रखना और यहाँ पर एक्सपीरियंस उसके आधार पे आपको थोड़ा सा देखना है कि एक्सपीरियंस एक पोस्ट एक्सपीरियंस का है, उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस का नहीं है। तो देखिए ये आपको है, तो टोटल यहाँ पर अगर देखते हैं तो मैकेनिकल की वैकेंसी यहाँ पर कम है, मैकेनिकल की 4-5 इस तरह से कुल मिलाकर वैकेंसी अगर हम बात करते हैं तो 72 वैकेंसी है, तो 72 वैकेंसी है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए अपॉर्चुनिटी वेमेन कैंडिडेट को सब कुछ यहाँ पर रिजर्वेशन SC ST OBC सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा, सब कुछ यहाँ पर बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और PWD कैंडिडेट को, एक सर्विसमैन को, EWS को, सबको बेनिफिट मिलेगा, बस अपना अपना सर्टिफिकेट रेडी रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर अपर एज लिमिट की बात करते हैं तो 1 फरवरी 2022 तक कैलकुलेट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा 1 फरवरी 2022 तक कैलकुलेट किया जाएगा, जिसमें देखिए पोस्ट कोड 01030507011 में यहाँ पर 30 साल रखी गई है। जबकि यहाँ पर हम बात करते हैं कि पोस्ट कोड 02040608090 यहाँ पर 10-12 में अपर एज लिमिट 26 साल रखी गई है। कब तक? तो 1 फरवरी 2022 तक। जो बेसिकली नीचे वाला है वो बिना एक्सपीरियंस का है, तो उसमें अपर एज लिमिट 26 साल रखी गई है, एक्सपीरियंस वाले में अपर एज लिमिट 30 साल रखी गई है। और इसके अलावा रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल आपको मिल जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, तो देखिए जिसमें एक्सपीरियंस मांगी गई है तो 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगी गई है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चाहे यहाँ पर केमिकल की बात करते हैं, चाहे मैकेनिकल की, चाहे इलेक्ट्रिकल का, तो देखिए अगर पोस्ट कोड यहाँ पर आप देख लीजिए तो यहाँ पर प्रोडक्शन में 3 साल का केमिकल मांगा गया है, डिप्लोमा पेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल में, या फिर BSc विथ केमिस्ट्री, ऐसे जिसमें कि 60% मार्क्स चाहिए, और SC और PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 55% यहाँ पर मार्क्स चाहिए। और यहाँ पर देखिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 प्रोडक्शन में 02 पोस्ट कोड है, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। इसी तरह से मैकेनिकल में देखते हैं तो 3 साल का डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल में 60% मार्क्स के साथ, और यहाँ पर देखिए एक पोस्ट में 2 साल का एक्सपीरियंस है और एक पोस्ट में यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसी तरह से आपको इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट भी देख लीजिए। तो देखिए मेरे हिसाब से आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए वेबसाइट पर जाकर, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, उसका सेफ्टी वालों के लिए अलग से है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि डिप्लोमा बेसिकली मांगा गया है। और देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, तो देखिए फायर सेफ्टी जो CPCL 11 और 12 है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो सभी पोस्टों के लिए टोटल 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 रखी गई है, इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें 50 नंबर आपको नॉन टेक का होगा और 70 क्वेश्चन आपको होगा टेक्निकल का, टेक्निकल अपना जो रिलेवेंट डिसिप्लिन है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और टोटल यहाँ पर टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का, और मई 2022 में चेन्नई में इसका एग्जामिनेशन होने वाला है, चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर, यानी कि तमिलनाडु में आपको सेंटर मिलेगा। तो इस हिसाब से आप लोग अरेंज करके देख लीजिएगा। और देखिए फायर सेफ्टी के लिए अलग से इसमें फिजिकल टेस्ट होगा, एंड्योरेंस टेस्ट होगा, मेडिकल फिटनेस नॉर्म्स होगा, इसको देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर जो पे है 25,000 से लेकर 1,05,000 तक के है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस यहां पर देख लीजिए, एप्लीकेशन फ़ीस यहां पर 1,000 रुपये रखी गई है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। EWS जनरल और OBC के रेट को 1,000 रुपये रखी गई है, और यहां पर SC ST PWD एक सर्विसमैन को कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा, न्यू यूजर पर क्लिक करके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन जो है इस तरह से कर लेना है, और सबमिट वगैरह यहाँ जो भी अपलोड मांगा जाएगा करने के लिए आप लोग कर दीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेव कंटिन्यू यहाँ बता दिया गया है, तो देखिए इसको आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से CPCL के करियर पे जाना है, डाउनलोड कर लेना है। और देखिए फीस यहाँ भले ही ज़्यादा है लेकिन आप लोग जो है ज़रूर इसको भरने की कोशिश करिएगा। तो CPCL.CO.IN ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको, आप देखिए एडमिट कार्ड वगैरह पोस्ट से नहीं सेंड किया जाएगा, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगा। तो सब कुछ यहाँ पर मैं अपडेट देते रहूँगा, तो आपको बस क्या करना है तो फॉर्म अभी भर लेना है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहे हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर जो है तो ओपनिंग डेट रखी गई है 24 मार्च तक, क्लोजिंग है 14 अप्रैल तक के, और लास्ट डेट फॉर द डिपॉजिट ऑनलाइन पेमेंट 13 अप्रैल तक के ही है। टेंटेटिव डेट फॉर डाउनलोडिंग
यहाँ पर मई रखा गया है और 8 मई को यहाँ पर एग्ज़ाम है, तो 8 मई को एग्ज़ाम है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से आप लोग फॉर्म भरिए और जो है तैयारी अच्छा से कीजिए और जॉब एक 2022 में लीजिए, अपने माता पिता का सपना पूरा करिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो थैंक यू।